हाय एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ खजूर रोल या ड्राई फ्रूट्स रोल बोल सकते हैं इसे। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला है वो प्रोटीन पाउडर और ड्राई फ्रूट्स गुड़ के लड्डू। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। यहाँ मैंने 300 ग्राम खजूर लिया है। इसको पहले मैंने घी में थोड़ा सा सेक लिया है और उसके बारीक पीस कर लिए बीज हटा के। अब इसको देखिए, ईजिली वो पीस जाता है इसलिए इसको सेकना थोड़ा ज़रूरी है। ये देखिए इस तरीके से। अब एक पैन में मैंने 2 चम्मच घी लिया है। इसे मैंने 1 कप बादाम लिए, इसके बारीक टुकड़े कर लिए, चॉप कर लिया है। इसको हम 5 मिनट तक इसको सेकेंगे। बहुत कम घी में और अच्छा हेल्दी बन जाता है। अब फिर से मैं इधर घी डाल रही हूँ और इसमें 1/2 कप मैंने काजू और 1/2 कप पिस्ता बारीक काटा हुआ है उसे भी सेक लेंगे। इस तरीके से हम सारे ड्राई फ्रूट्स को सेकेंगे। यहाँ अब मैंने लिए हैं ये सीड्स हैं, बीज हैं, जो वाटरमेलन और सनफ्लावर के सीड्स और फ्लैक्स सीड्स और भी मिक्स हैं इसमें सीड्स। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं मिक्स। और 1/2 कप मैंने अखरोट लिया है उसे भी सेक लूँगी। अब मैंने यहाँ पे 1 कप मखाना लिया है, इसे भी सेकेंगे हम। और यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच खसखस उसे भी सेक लिया है। ये देखिए, अब ये जो बीज थे उसको मैं पीस लूँगी मिक्सी में। इस तरीके से बारीक पाउडर बना लीजिए इसको आप, और मखानों को भी पीस लेंगे। बाकी ड्राई फ्रूट्स जो हमने बारीक काटे थे वैसे ही रहने देंगे हम। अब यहाँ मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ, उसमें जो हमने पीन खजूर पीसे थे उसको मैं थोड़ी देर 5 मिनट तक इसको हम सेकेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये सॉफ्ट होगा तभी हमारे सब मिक्स होगा इसमें। अब हम मैं डाल रही हूँ सीड्स का पाउडर, खसखस और मखाने का पाउडर, और ये सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दिए। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पीन खजूर थोड़ा सॉफ्ट हो गया इसलिए मिक्स हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अब इसके या तो आप लड्डू भी बना सकते हैं, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने खसखस और ड्राई फ्रूट्स थोड़े से डाल दिए हैं। अब इसको ऐसे रोल कर देंगे तो ये आपके पीन खजूर के लड्डू भी बन सकते हैं, और नहीं तो आप रोल बना सकते हैं इस तरीके से पूरा ऐसा लेके। देखिए इस तरीके से कीजिएगा इसको, ये पूरा रोल कर दीजिए। खसखस और ड्राई फ्रूट्स इस पर चिपक जाएंगे जो हमने नीचे डाले हैं। अच्छे से देखिए लग गए हैं। अब इसको मैं एक सिल्वर फॉइल में अच्छे से रोल कर दूंगी और इसको फ्रिज में मैं 1/2 घंटे के लिए रख दूंगी। फ्रिज में रखना है ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। अब 1/2 घंटे बाद निकाल के रूम टेम्परेचर पर मैंने इसको 1/2 घंटे के लिए रहन दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, जिससे ये ईजिली कट सके। नहीं तो ये कटेगा नहीं, अगर आप डायरेक्ट फ्रिज से निकालेंगे तो कटेगा नहीं ईजिली। ये देखिए अभी थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगा, अब मैं इसको कट कर दूंगी। लीजिए आपके रेडी हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स रोल। ये शुगर फ्री भी हैं और बहुत हेल्दी हैं सबके लिए, बच्चों